Assalamualaikum स्टूडेंट, a इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी को हमने प्रूव करना है, जिसके लिए हमें ये रिजल्ट पता है। अच्छा, b और c को राइट साइड पर ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, क्या कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद a, टेक डॉट प्रोडक्ट विद a ऑन बोथ साइड, टेक डॉट प्रोडक्ट, टेक डॉट प्रोडक्ट, टेक डॉट प्रोडक्ट विद ए, टेक डॉट प्रोडक्ट विद ए, एक के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जरा देखिएगा, ये आएगा ए डॉट ए आएगा, ए डॉट माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब इनका डॉट लेंगे ए डॉट ए, तो ए का जब इसके साथ लेंगे डॉट, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए डॉट बी एंड माइनस ए डॉट सी आ जाएगा, माइनस ए डॉट सी आ जाएगा, ठीक है। इसको चलिए दोबारा लिखेंगे, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे तो मसला नहीं है, ए और बी जो है हमें अब इनका एंगल फाइंड करना पड़ेगा, और ए और सी का एंगल जो है वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो वो जो ट्राइंगल की फिगर थी, यहाँ हम दोबारा बना लेते हैं। ये एक साइड होगी उसकी, ये उसकी दूसरी साइड होगी, ठीक है। और चलें इसको थोड़ा सा ना हम एक्सटेंड करने की फॉर्म में लिखते हैं, ये उसकी, सॉरी, ये ट्रायंगल की एक साइड होगी, दैट से ये दूसरी साइड होगी, और इसको हम जो है थर्ड साइड कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एंगल जो है हमारे पास, ये इसको हमने बी बोला हुआ था, ये हमारे पास ए था, सॉरी सी था, ये सी था हमारे पास, और ये जो है वर्टेक्स या एंगल ये ए था, ठीक है। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी देखिए कि ये जो है ये बी है, ठीक हो गया, ये जो एंगल है ये सी है। अच्छा, ये जो साइड थी ना, इसको हमने शुरू में लेट किया था, मैं वही चीज़ दोबारा, ये ट्रायंगल हमने पिछले प्रूफ में कर ली है, ए ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास वेक्टर जो है वो सी है। अच्छा, अब एंगल किसका चाहिए, ए और बी का चाहिए, तो ए और बी पहले देख लें, ये ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो हम उसी तरह क्या करेंगे कि इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अगर ये सी है तो ये जो एंगल है ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या कि ए और बी का एंगल चाहिए, पहले हम इसकी बात करेंगे, ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो हमें बेसिकली यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, ए और बी। तो लेट्स से स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये पूरा जो एंगल है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा जो एंगल है ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 180 या पाई बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से मतलब ये पूरा जो एंगल है, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये पूरा जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये है 180, ये क्या है 180 है। तो अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो वो क्या होगा, 180 में से सी माइनस करूँगा, तो ये जो एंगल बन रहेगा ना, ये चूंकि सी है तो ये जो बाहर ये आएगा ये पाई माइनस 180 आएगा, सॉरी पाई माइनस सी आएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस सी, तो ये पाई माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल आपको नजर आ रही है ये पाई माइनस सी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये हम एंगल की बात करेंगे। अब अगर आप इसको देखें ना, इस पूरे एंगल को, ये स्टूडेंट आपके पास आते हैं 180, तो अगर ये बी है तो ये जो आउटर एंगल होगा ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा पाई माइनस सी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा पाई माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, सॉरी पाई माइनस बी आएगा, ये बी है तो ये भी आपके पास बी ही बनेगा, ये पाई माइनस बी आ जाएगा। तो हमें देखें ए सी, देखें ये ए है और ये सी है, ए और सी, ए और सी के एंगल भी हमने फाइंड कर लिया, ये ए और सी के दरमियान जो एंगल था वो भी हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, ए और बी का एंगल जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया, तो अब हमें डॉट लेने में कोई परेशानी नहीं होने चाहिए। अच्छा, ए डॉट ए जो है
वो आएगा नेक्स्ट स्क्रीन पे कर लेते हैं। ए डॉट ए का मतलब होगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड चूंकि दोनों वेक्टर सेम है तो दरम्यान का एंगल आएगा कॉस जीरो। अब इनकी बारी है माइनस ए डॉट बी की, तो माइनस ए डॉट बी माइनस अपनी जगह पर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी का दरम्यान जो एंगल है वो हमने फाइंड किया, वो किसकी इक्वल आ रहा है, पाई माइनस सी आ रहा है, तो एंगल हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस सी आ जाएगा। नेक्स्ट जो है माइनस ए डॉट सी, माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, और ए और सी का दरम्यान जो एंगल है तो ए और सी का दरम्यान का जो एंगल है वो क्या है, पाई माइनस बी है, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और ये आप इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस 0 1 होता है माइनस, आप जरा देखिएगा ए बी माइनस ए बी। अब कॉस पाई माइनस सी को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, कॉस पाई माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ कॉस 2π/2 माइनस सी, इसको लिखा जा सकता है चूंकि पाई बाई टू का मल्टीपल इवन है, तो ये जो सारी वैल्यू है ये इक्वल आ जाएगा कॉस सी के इक्वल आएगा, और पाई माइनस सी का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस सी बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉस सी में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस सी आ जाएगा माइनस, ये आपके पास आएगा ए सी कॉस, इसमें भी आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए सी कॉस, ये आ जाएगा कॉस बी आ जाएगा, कॉस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट हमने जो है जो सेकंड प्रूफ था जिसमें हमने क्या प्रूफ करना था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि राइट साइड पे ए आ रहा है ना, तो हम इसको कॉमन लेके ये आप देख सकते हैं ए स्क्वेयर, यहाँ से अगर आप ए कॉमन लें तो आ जाएगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये ए किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रूफ है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यही हमें दो चीज़ें जो हैं वो प्रूफ करनी थी। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब नेक्स्ट भी हमारे पास एक प्रूफ ही है हमारे पास, जिसमें हमने प्रूफ ये करना है कि प्रूफ दैट प्रूव दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।